श्री विभूषित करान्न वनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूरणेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रा कृष्णात्मरं किमपि तत्वमहं न जानामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती हे गिरिधर तेरी आरती धन हो
सुंदर तेरी आरती गाओ, हरे कृष्ण तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आप बड़ी जाओ, आरती गाओ प्यारे तुम तो मनाओ, कुंजुगे हरि तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आप बड़ी जाओ, आरती गाओ प्यारे तुम को मनाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, बाल कृष्ण तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारि तेरी आरती गाओ, बांके बिहारि तेरी आरती गाओ, बोलो श्री बांके बिहारि लाल कृष्ण लाल की, श्रीमद भागवत महापुराण, श्री गंगा मैया जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वराहपीठं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला, रन्ध्रान् वेणोरगरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीरति। यं प्रव्रजन्तुमनपेतुमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरगोभिनेदु, स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारण्यै, नमः कुञ्जविहारिणे, स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणा गुरवे नमः। गुरुवरथेत्यप्तराज्यो विचरदनुवनम् पद्मपदभ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृदुतपथुरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छुरुपणक्षाः प्रियविरहरुषा रोपितव्रोगजम्भ त्रस्ताङ्गुरवद्धसेतु फलगवदहन कौसलेन्द्रोऽवता, अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामद्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातु जातं नमा।
नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुणध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनोहरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन की छाई परे श्याम हरित जित हो श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकदास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को दास भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम कबु एक इनके पद वंदन किए तुनाशत विघ्न मने बोलो श्री बांके बिहारी नाम की जय। आइए कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय लें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद
राधे गोविंद श्री गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद सब गाइए श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 दोनों हाथ से ताली से बात देते हैं प्रेम से अपनी बनमाल का फूल बना दे लहरें टकराती रहे जिससे कमनीय कालिंदी का फूल बना दे कम कमनीय कालिंदिका कमनीय कालिंदिका कर कंद से थामते हो जिसको हे मेरे प्यारे हे बाकी बिहारी कर कंज से थामते हो जिसको उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे पद पंकज तेरे पद पंकज तेरे छुएंगे कभी ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे ब्रजराज हमें राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
ताली सेवा देते हुए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा
हम धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन जय राधे राधे 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 जय श्री राधा श्री राधा हमारो धन हमारो तन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा जय जय समुपस्थित सभी भक्त वृंद श्रोत्र वृंद विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट सभी महानुभाव भागीरथी गंगा के तट पर मां की कृपा से आज श्रीमद् भागवत के पंचम दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं और कल की कथा में आप सब ने भगवान के जन्म कथा प्रसंग को सुना था। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, और संपूर्ण दशम स्कंध भगवान के वांग्मय स्वरूप में भगवान कृष्ण का ये हृदय है। जैसे हमारे हार्ट के दो पार्ट हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण का ये हृदय है और हृदय के दो पार्ट हैं, एक पूर्वार्ध और दूसरा उत्तरार्ध, जो कि 90 अध्याय में है। दशम स्कंध के पूर्वार्ध के तृतीय अध्याय तक भगवान के जन्म की भूमिका को भागवत में लिखा गया और चौथी अध्याय में मथुरा में प्रभु का जन्म बताया कि तमद्भुतम बालक मम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मणम गलशौभकौस्तुभम पीतांबरम सांध्रपयोधशौभगम। पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, पांचवी अध्याय के प्रथम मंत्र में किनंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जातहल्लादो महामना आहूय
विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिरलं कृतः। सुखदेव जी महाराज बोले हैं कि नंद और यशोदा के घर आज वो आनंद प्रकट हुआ है। और उस आनंद को दोनों हाथों से नंद बाबा ने खूब बांटा, क्योंकि सुखदेव जी महाराज इस मंत्र के अंतर्गत कह रहे हैं कि नंदस्त्वात्मजुपन्ने जाता लादो महामना। नंद बाबा को सुखदेव जी ने महामना कहा है। महामना व्यक्ति वही होता है जिसका हृदय बड़ा हो। कभी कभी व्यक्ति के पॉकेट में पैसा नहीं होता उतना, लेकिन दिल बड़ा होता है। माने उसकी उदार वृत्ति होती है, दूसरों के प्रति उसके मन में उदारता होती है। क्योंकि मानव जीवन के ये दो आभूषण हैं, परोपकार और उदारता। और उदार व्यक्ति में मानव सेवा की भावना होती है, वो सबका भला सोचता है और सदैव दूसरों को सहयोग करने के लिए वो व्यक्ति तत्पर होकर निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से सेवा में लगा होता है। उसमें उसे आनंद मिलता है, क्योंकि आनंद भी उदार व्यक्ति के जीवन में ही होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लाडो महामना। नंद बाबा के घर वो आनंद प्रकट हुआ था, क्योंकि नंद उदार मना है, बड़े मन वाले हैं। जो दूसरे को प्रसन्नता देने का भाव, दूसरे को खुशी देने का भाव अपने हृदय में रखता है, वही तो नंद बाबा है और यशोदा मैया। क्योंकि भगवान का जन्म आज से 5,500 वर्ष पहले हुआ था, और देखो आज भी हम भागवत की कथा के माध्यम से जब जब कथा होती है तो हम कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं। तो आज भी तो ये कथा को हम सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। तो इस कथा को सुनने का रहस्य क्या है? क्योंकि हम भी वही आनंद की चाहना में हैं। आनंद कहते हैं भैया जो होकर कभी मिटे नहीं, जो होकर कभी मिटे नहीं। सुनना फिर, आनंद किसे कहते हैं? जो होकर मिटे नहीं और जिसके मिलने पर फिर कोई और चाह या पाने की इच्छा मन में नहीं होती है, वही आनंद है, वही आनंद है। और ऐसा आनंद जिसके जीवन में जिसको जब जब प्राप्त होता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में आनंद बटोरा नहीं जाता है। हम कहते ना कि कहीं जब सत्संग हो रहा होता है और सत्संग सुनकर, भगवत कथा सुनकर कि जब हम उठते हैं, तो हम कहते हैं भाई बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, समय का पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा लोग संसारी चर्चा में भी कहते हैं, कई कई घंटे तेरी मेरी में निकाल देते हैं लोग, कई कई घंटे तक संसारी की चर्चा में व्यस्त रहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि संसार की चर्चा करने के बाद व्यक्ति को थकावट होगी, मन एकदम भुजा भुजा सा हो जाएगा। लेकिन मैं ये बात बहुत विश्वास के साथ और बहुत अधिकार के साथ कह सकता हूं कि भले आप चार घंटे कथा में बैठे तो भले आपको बैठने में थोड़ा थकावट हो सकती है, एक आसन पर हम बैठे हैं, आप बैठे हो, थकावट हो सकती है, लेकिन कथा सुनने के बाद मन भुजा भुजा सा नहीं रहता। कथा सुनने के बाद मन में आनंद प्रकट हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है, और उस आनंद में आपकी थकावट भी सारी मिट जाती है। तभी तो लोग कहते हैं कि भाई समय का तो पता ही नहीं चला, कैसे बीत गया। सुख बटोरने की वस्तु है और आनंद बांटने की वस्तु है। जिनके जीवन में आनंद होता है, ऐसे आनंद में व्यक्ति के पास जब आप बैठेंगे तो आप स्वयं आनंदित रहेंगे। कभी कभी, क्योंकि देखिए मजा में और आनंद में अंतर होता है, भगवान में मजा नहीं है, मजा संसार की बातों में है, भगवान में मजा नहीं है, भगवान में आनंद है। क्योंकि मजा का उल्टा हो जाता है सजा, सत्य का विलोम शब्द है असत्य, ज्ञान का अज्ञान, सुख का दुख, रात का दिन, लेकिन आनंद का कोई आज तक विलोम शब्द बना ही नहीं है। आनंद माने आनंद, जब व्यक्ति आनंद में एक बार पहुंच जाता है तो आनंद फिर उसके जीवन से निकलता नहीं है, क्योंकि आनंद का कोई विलोम शब्द ही नहीं। इसलिए संतों के, महापुरुषों के, गुरुजनों के जीवन में हमको वही आनंद देखने को मिलता है। शरीर की अवस्था है, कभी बाल अवस्था है, कभी युवा अवस्था है, कभी प्रौढ़ अवस्था है, कभी वृद्धावस्था है, लेकिन आप देखिए एक सामान्य व्यक्ति को और एक किसी महापुरुष को, शरीर बालकपन से जवानी में जाता है, जवानी से प्रौढ़ अवस्था में जाता है, प्रौढ़ से वृद्धावस्था में जाता है, लेकिन जो महापुरुष होंगे, क्योंकि शरीर तो मरण धर्म है, आप किसी महापुरुष का जब दर्शन करेंगे, उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे, तो उनके पास भले शरीर की अवस्थाएं बदल रही हैं, लेकिन आनंद नहीं बदल रहा है, आनंद वैसा का वैसा ही है। नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाताहल्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। एक बार स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस देव भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाते थे। एक दिन किसी किसान के घर जब भिक्षा मांगने के लिए गए, बड़ा जमींदार था वो, जब उसने स्वामी जी को देखा तो एकदम क्रोध में आ गया, गुस्से में आ गया, क्योंकि स्वामी जी उसके दरवाजे पर गए रामकृष्ण परमहंस देव और कहा कि भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। वे एकदम गुस्से से भर करके बोला कि बाबा घर घर मांगते फिरते हो,
क्या तुमको भीख मांगने में शर्म नहीं आती है? हट्टे कट्टे हो, जवान हो, कुछ काम किया करो। ये भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही मांगते फिरते हो। देखो हम किसान हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं, रात दिन खेती में हम लगे रहते हैं, तब जाकर के कहीं वर्ष में हमको ये फसल प्राप्त होती है। और एक तुम हो, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। रामकृष्ण परमहंस देव बड़े गंभीर हो गए और उस किसान को जब वो शांत हुआ बोलकर, तो स्वामी जी ने कहा कि भैया यदि तू किसान है तो मैं भी किसान हूं, तो थोड़ा चिढ़ करके उसने और अपने अहम को प्रकट करते हुए कहा कि कहां है आपके पास खेत, कहां है आपके पास ट्यूबवेल पानी देने के लिए, कहां आपके पास हल है बैल है जिससे आप खेत को जोतेंगे, बताइए। तो स्वामी जी ने कहा कि भैया मेरा जो हृदय है ये मेरा अंतःकरण ही वो क्षेत्र है, वो खेत है। जैसे तेरे पास खेत है ना, तो मेरा अंतःकरण मेरा क्षेत्र है, खेत है। और अंतःकरण रूपी क्षेत्र में मैं प्रेम के करुणा के बीज बोता हूं। अच्छा, तो मजाक के लहजे में उसने कहा तो बाबा फिर आप इस खेत में पानी कौन सा देते हो, कौन सा ट्यूबवेल है जिससे सिंचाई करते हो, कौन से आपके पास बैल हैं, कौन सा हल है जिससे जुताई करते हो। तो स्वामी जी ने कहा कि मेरे पास दो बैल हैं, पहला संयम और दूसरा वैराग्य, ये दो बैल हैं मेरे पास। और मेरा जो विवेक है वो मेरा हल है, जिस विवेक रूपी हल में मैंने इन दोनों बैलों को जोत रखा है। और तूने कहा ना कि ट्यूबवेल पानी के लिए, तो मैं अपने आंसुओं के जल से इस अंतःकरण रूपी खेत का सिंचन करता हूं, सींचता हूं। लेकिन फसल कौन सी होती है बाबा, ये तो बताइए। तो कहां फसल भी मुझे मिलती है, फसल तुझे भी मिलती है, फसल मुझे भी मिलती है, लेकिन मेरी और तेरी फसल में थोड़ा अंतर है। तुझे जो फसल प्राप्त होती है एक वर्ष के बाद खेती से, तू उस फसल को जाकर के बेच देता है बाजार में, लेकिन मुझे इस अंतःकरण रूपी खेत से जो फसल प्राप्त होती है वो कौन सी फसल है, कहते हैं वो है शांति और आनंद। लेकिन अंतर यह है कि तू उस फसल को जाकर के बाजार में बेच देता है, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा कि मैं अपनी शांति को अपने आनंद को बेचता नहीं हूं, मैं अपनी शांति को और अपने आनंद को बांटता हूं। बस अंतर यही है। महापुरुष जो सच्चे संत महापुरुष होते हैं वो अपनी शांति को और अपने आनंद को बांटते हैं, क्योंकि आनंद बटोरने की वस्तु नहीं है, यह तो बांटने की वस्तु है। सुखदेव जी महाराज वही कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में कि नंद बाबा के घर भी वही आनंद प्रकट हुआ था और उस आनंद को उन्होंने दोनों हाथों से बांटा है। कि आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलं कृता। अन्न दान वस्त्र दान गौ दान खूब नंद बाबा ने किया, उस आनंद को इतना लुटाया
कितना लुटाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रमा क्रीड मभुन नृप, लगता है कि उस गोकुल की गली गली में मानो लक्ष्मी जी लोट लगा रही हूं। अपने नारायण का स्वागत कर रही हो, क्योंकि गोपियों ने कहा है कि जायति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वत दायित दृश्यता दीक्षुता स्वयि धृता सव स्वामिचिन। वाह, कितने मीठे भागवत के मंत्र हैं। ऐसा लगता है कि इन मंत्रों को, इन श्लोकों को गाते रहो। जब जब ये मंत्र, जब जब श्लोक भागवत के गाए जाते हैं, ऐसा लगता है कि पहली बार गाया जा रहा है। क्योंकि ये श्लोक, ये मंत्र गोपियों के हृदय के उद्गार हैं, हृदय से निकले हुए हैं। क्योंकि आप ध्यान देना, कोई गायक यदि गा रहा हो, क्योंकि गायक गाता है गले से, और भक्त यदि कभी कोई गाएगा तो गले से नहीं गाएगा। गीत गले से गाया जाता है और भजन हृदय से गाया जाता है। भजन गले से नहीं गाया जाता है। गीत कोई गा रहा हो, फिल्म का गीत हो, वो गले से मुर्कियां बुर्कियां दो चार लगा लगा करके गाएगा, लेकिन जो भजन है वो हृदय से गाया जाता है। जैसे आप जब तीर कमान चलाते हो तो जितना खींचोगे उसको, कमान को, उतना लंबी मार मारता है, उतना दूर वो तीर जाता है। ऐसे ही जहां से भी आवाज निकलेगी वहीं तक आवाज पहुंचती है। जैसे गीत गले से गाया जाता है तो लोग गले से गाकर के भूल जाते हैं, लेकिन गोपियों का जो ये गीत है, जो गोपियों ने गाया है भैया, ये गोपी गीत भागवत में, ये गीत गले से नहीं गाया है, गोपियों ने अपने हृदय से गाया है। तो जब जब आप भागवत के इन गीतों को, मंत्रों को, श्लोकों को गाएंगे तो आपके हृदय को ये छुएगा। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वत दायित दृश्यता जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज कहती हैं कि श्रयत इंदिरा, हे गोपाल, हे नंदलाल, हे बांके बिहारी, जब से आप ब्रज में आए हो, जब से आपका अवतार हुआ है, जब से आपका प्राकट्य हुआ है, तब से रिद्धि और सिद्धियों के सहित अखंड उस लक्ष्मी ने इस गोकुल में डेरा डाल लिया है। अखंड
प्रेम से कहो श्री राधे। और यहां सुखदेव जी कह रहे हैं रमा क्रीड मभुन नृपा। देखो क्या कह रहे हैं कि आज गोकुल में लक्ष्मी अठखेलियां कर रही है। राजन गली गली में लक्ष्मी लोट लगा रही है, बस यही बात तो समझना है कि लक्ष्मी तो सबको मिलती है, लक्ष्मी तो आती है, पर अखंड लक्ष्मी किसके जीवन में रहती है कि उस घर का त्याग कभी लक्ष्मी न करे। बोले उस घर का ही लक्ष्मी कभी त्याग नहीं करती जहां नारायण होते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि लक्ष्मी के दो ही तो वाहन हैं, पहला वाहन है लक्ष्मी का गरुण जी महाराज और दूसरा लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। जब उल्लू पर बैठ करके लक्ष्मी घर में आती है, ध्यान रखना उस समय साथ में भगवान नहीं होते लक्ष्मी के। जब गरुण जी पर बैठ करके हमारे घर में लक्ष्मी आती है तो उसके साथ भगवान होते हैं, लेकिन जब उल्लू पर बैठ करके लक्ष्मी आती है तो अकेली घर में आती है, और अकेली आती भी है तो आती तो है उल्लू पर बैठकर, लेकिन उल्लू ही बना करके चली भी जाती है। बोलो श्री वृंदावन। और जिस घर में लक्ष्मी जी के साथ मेरे गोपाल आते हैं, मेरे बांकी बिहारी आते हैं, मेरे कृष्ण आते हैं, मेरे नारायण आते हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं कि भैया उस घर में तो सदा सर्वदा लक्ष्मी अटखेलियां करती है, सदा सर्वदा उस घर में लक्ष्मी का वास रहता है, उस घर को कभी लक्ष्मी छोड़ती ही नहीं है। तो लक्ष्मी का अखंड वास हमारे घर में हो, क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ है सुख, शांति नहीं है, लक्ष्मी सुख देती है। लेकिन नारायण भगवान क्या देते हैं? शांति। घर में सुख आ जाए तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि भाई हमारे पास शांति भी आ गई, ये जरूरी नहीं है। सुख तो आ जाता है व्यक्ति के जीवन में, लेकिन शांति से वंचित रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में लक्ष्मी की तो महिमा है लेकिन नारायण की महिमा नहीं है। और जिस घर में लक्ष्मी नारायण दोनों ही पधारते हैं तो उस घर में सुख भी और सुख के साथ शांति भी हमेशा विराजमान रहती है। ये बात सुखदेव जी भागवत में कह रहे हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः। नंद बाबा नंद उत्सव को मनाकर वृद्ध गोपों के ऊपर गोकुल के भार को सौंप कर कंस को वार्षिक कर प्रदान करने के लिए पधारे मथुरा में। इधर सुखदेव जी कहते हैं कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंश्चार निघनंती पुरुग्राम ब्रजादिषु। आज आकाश मार्ग से वो खेचरी पूतना सुंदर श्रृंगार धारण करके गोकुल के अंदर प्रवेश कर रही थी, क्योंकि कंस ने पूतना को कहा था कि ब्रज में और मथुरा के अंतर्गत जितने भी गांव हैं उन गांव में जितने भी 8-10 दिन के बालक हैं उन सब बालकों की जाकर के तुम हत्या करो, ये कंस ने कहा। तो गांव गांव में जाकर के पूतना बाल हत्या कर रही थी। तो आज सुखदेव जी कहते हैं कि जिस दिन भगवान की छठी पूजी जा रही है लाला की,
छठी पूजन हो रहा है, चतुर्दशी का दिन है, तो चुपके से सुंदर श्रृंगार करके लगा कि कोई गोपी आई है, तो गोपियों के साथ मिलकर के ये पूतना भी नंद भवन के अंदर प्रवेश की। जब आंगन में आकर के पूतना खड़ी हुई तो ब्रजरानी यशोदा ने समझा कि कोई गोपी आई है मेरे लाला का दर्शन करने के लिए, तो झट आंगन में मां आई और पूतना का बहुत स्वागत किया। पूतना बोली कि ब्रजरानी अपने लाला को मुकु दर्शन करा कराऊंगी। झट अंदर गई, देखो मां के मन में कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी आता है सबको लाला का दर्शन कराती है। अंदर गई, बालकृष्ण पालने में सोए हुए थे, लेकर के मां आई और आकर के पूतना की गोद में बालकृष्ण को दे दिया, ले मेरे लाला को दर्शन कर ले। पूतना ने जब अपनी गोद में भगवान को लिया तो जाते ही पूतना की गोद में भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, तो राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये बात विशेष रूप से भागवत में कही गई है। तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि गुरुजी लाला को क्या हो गया, क्यों नेत्र बंद हो गए? तो सुखदेव जी महाराज बोले हैं कि परीक्षित अब अपना अपना भाव इस सूत्र पर भागवत के अनेक अनेक महापुरुषों ने रख दिए। जैसे किसी महापुरुष ने कहा कि भाई इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गई क्योंकि आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण इस बात पर विचार आज कर रहे हैं कि पूतना कौन है, इसने कोई सत्कर्म तो जरूर किया होगा, बिना सत्कर्म किए ये मेरे सामने नहीं आ सकती है। जब तक हमारे कोई शुभ कर्म कोई सत्कर्म जीवन के नहीं होंगे तब तक ध्यान रखना हम किसी तीर्थ में और किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान भी नहीं कर सकते हैं। यदि हम हरिद्वार में आए हैं, मां गंगा में डुबकी लगा रहे हैं या गंगा के तट पर बैठकर के हम भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित हमारे कोई पुण्य कर्म ही हमको यहां तक लेकर के आए हैं, निश्चित कोई हमारा सत्कर्म है, हमारा कोई पुण्य कर्म है, कोई तो है जो हमें यहां खींच करके लाया है। क्योंकि कथा तो कहीं भी हो सकती है, कथा कहीं भी तुम सुन सकते हो, कहीं भी बैठ करके मैं कथा कह भी सकता हूं, आप लोग भी सुन सकते हैं, लेकिन यहां हमें यदि मां ने बुलाया है अपने तट पर अपनी गोद में बिठा करके, मां गंगा यदि हमें श्रीमद् भागवत का श्रवण करा रही है तो निश्चित हमारे कोई शुभ कर्म या कोई सत्कर्म है, बिना उनके, क्योंकि शास्त्र कहता है श्रेयांसी बहु विघ्नानि, कोई व्यक्ति जब बुरा काम करने के लिए जाता है तो कोई विघ्न नहीं पड़ता है, कोई मुहूर्त देख करके चोर चोरी करने नहीं जाते, हां उनको यह मालूम है कि रात को सब सोते हैं तभी चलना है, अब कोई किसी ज्योतिषी से मुहूर्त पूछ करके तो चोरी करने नहीं जाते। लेकिन आप कोई शुभ कार्य करने के लिए जब जाएंगे, कोई अच्छा काम करने के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने अनेक 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 बाधाएं उपस्थित होंगी, अनेक विघ्न आएंगे, अनेक रुकावट आएंगी। इसलिए तो भागवत के लिए तो यहां तक कह दिया है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। यदि हमें
कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रही है और वो भी गंगा के तट पर मां की गोद में, तो निश्चित ये कथा हमको सहज में प्राप्त नहीं हो रही है, हमारा कोई सत्कर्म, हमारा कोई पुण्य कर्म तो हमारे साथ होगा ही, बिना उसके ऐसा संयोग नहीं बन सकता है। कथा कहीं भी सुन सकते हो, कथा कहीं भी करा सकते हैं, लेकिन गंगा के तट पर यदि हम आए हैं तो मां ने हमको बुलाया है, हमारा सत्कार्य शुभ कार्य कोई पवित्र कोई पुण्य कार्य हमें यहां लेकर के आ गया। तो भगवान भी आज आंखें बंद करके इस बात पर थोड़ा विचाररत हैं, बार बार भगवान इस पर विचार कर रहे हैं। तो जैसी विचारशील मुद्रा में जब आप किसी बात पर सोचते हो तो आंखें बंद हो जाती हैं, ऐसे ही भगवान भी आंखें बंद किए हैं। एक संत ने कहा कि भैया मेरी समझ में तो ये बात आती है कि भगवान कहते हैं कि हमने तो कभी जहर नहीं खाया है, और ये पूतना मौसी अपने स्तन से जहर लगा करके आई है, क्योंकि अहो वकीयम स्तन काल कूटम, और हमने कभी जहर खाया नहीं है, जहर के खाने वाले तो हमारे भोलेनाथ हैं, तभी तो नीलकंठ बनकर के बैठ गए हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदावसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो आज आंखें बंद इसलिए हो गई हैं, अब वो संत का अपना भाव है भाई। कहते हैं संत कि भाई इसलिए प्रभु के नेत्र बंद हो गए हैं कि आज आंखें बंद करके बालकृष्ण, जैसे आप भोग लगाते हो भगवान का, तो भोग लगाते समय आंखें बंद करते हो ना, तो ऐसे ही हमारे कन्हैया भी आंखें बंद करके भगवान शिव का भोग लगा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि बाबा आपको तो जहर खाने की आदत है, सागर मंथन के समय आपने जहर खाया था, नीलकंठ बन गए थे, और हमने तो कभी जहर खाया नहीं, मैं तो माखन का खवैया हूं, मिश्री का खवैया हूं, लेकिन ये पूतना मौसी अपने स्तन से जहर लगा करके आई है और मुझे जहर खिला रही है, तो बाबा आप ऐसा करिए, जहर जहर, क्योंकि आपको तो जहर खाने की आदत है, जहर जहर आप खा लो और बाकी माल फिर मैं भोग लगाऊंगा। तो ऐसा मन में भाव रख करके मानो हमारे कृष्ण आंखें बंद करके शिव को याद कर रहे हैं। एक संत ने कहा कि भगवान ने भैया इसलिए आंखें बंद की हैं, भगवान कहते हैं कि हमने देवकी मैया को और यशोदा मैया को तो मां की गति प्रदान कर दी, अब इस पूतना को मैं कौन सी गति प्रदान करूं। इस बात पर प्रभु कुछ मंथन चिंतन कर रहे हैं तो नेत्र बंद हो गए हैं। एक संत कहते हैं कि प्रभु ने भैया इसलिए नेत्र बंद किए हुए हैं क्योंकि आंखें मिलने से भी हमारा, जब कोई से आंखें मिलती हैं तो आंखें मिलने से भी प्रेम हो जाता है, प्रीति हो जाती है, और कहीं पूतना से हमारी प्रीति हो गई, भगवान सोच रहे हैं। तो जहां प्रेम होता है, सोचो क्या वहां कभी उसके लिए बुरा भाव मन में आता है क्या? नहीं आता। अच्छे विचार, अच्छी बात, व्यवहार जगत में भी उसके लिए कभी बुरा विचार मन में नहीं आता। तो भगवान भी कहते हैं कि यदि पूतना से मेरे आंखों से आंखें मिल गई, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां कभी हिंसा को स्थान नहीं मिलेगा, तो इसलिए भगवान आंखें बंद किए हुए हैं कि मुझे पूतना का उद्धार करना है, मैं इससे नेत्र नहीं मिलाऊंगा। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए।
ये लेकर के बालकृष्ण को पूतना जब नंद भवन से बाहर निकली और एक शिला के ऊपर बैठकर अपना स्तन निकालकर भगवान के मुख में दिया और भगवान दोनों हाथों से स्तन पकड़कर के पूतना के जब दूध पीने लगे तो पूतना पहले तो छक्कर के दूध पिया, जब प्राणों को भगवान खींचने लगे तो बोली पूतना कि साम चमचालमिति प्रभाषणी निस्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवरत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रस्वन्निगात्रा क्षिपतिरोदः। भगवान बालकृष्ण को पूतना कहती है कि सा मुंच मुंच, अरे बालक छोड़ दे, अरे बालक छोड़ दे। तो भगवान पूतना से बोले कि मौसी कहां कह रही है, छोड़ दो। देख पहले तो मैं काऊ को पकड़ू नहीं हूं, और जब एक बार पकड़ लू हूं, भैया हमारे बांकी बिहारी जी को पकड़ना नहीं आता, बहुत भोले हैं वो, बड़े सीधे साधे हैं, उनको पकड़ना नहीं आता, क्योंकि पकड़ना छोड़ना ये संसारी लोगों का काम है। जिस समय विल्ल मंगल जब वृंदावन की यात्रा पर चले थे, जो कि जिन्होंने अपनी तकवे से आंखें फोड़ ली थी, इनके जीवन की घटना है। भक्त बिल्ल मंगल, आज भी वृंदावन में भक्त बिल्ल मंगल की समाधि बनी हुई है, परम कृष्ण भक्त हुए। जब वृंदावन की ओर आ रहे थे तो रास्ते में अंधा विल्ल मंगल लोगों से पूछ रहा था कि भैया मुझे वृंदावन जाना है, मुझे कोई वृंदावन छोड़ दो। तो एक बालक के रूप में हमारे कन्हैया मिले और बोले बाबा कहां जाएगो? बोले भैया मैं वृंदावन जाऊंगा। चल ये तो बड़ी अच्छी बात है गई, मैं भी वृंदावन को हूं और बाबा तुम भी वृंदावन जाना चाहते हो, चलो मैं तुमको वृंदावन छोड़ देता हूं। तो ऐसे उस बालक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मुट्ठी बंद है, तो टटोलते टटोलते हाथ उस विल्ल मंगल ने उस बालक का पकड़ लिया। लेकिन वो बालक कोई सामान्य नहीं था, वो साक्षात बांके बिहारी थे, क्योंकि भगवान का स्पर्श जब हुआ तो विल्ल मंगल पहचान गए कि ये तो मेरा कृष्ण है, ये तो मेरा गोपाल है, ये तो मेरा बांके बिहारी है। तो कसकर की पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा। लेकिन भगवान ने जोर से झटका दिया, और जब प्रभु ने हाथ छुड़ा लिया, क्योंकि भगवान ने हाथ नहीं पकड़ा था, प्रेम से कहो श्री राधे, लेकिन भक्त की सोच भगवान से भी बड़ी है। भक्त कहता है कि हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह, क्योंकि मैं अंधा हूं ना, आपको प्रभु पकड़ नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता। कि हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे सबल बढ़ूंगो तो। हे गोपाल, मैं आपको सबल बलशाली तो तब मानू जब आप मेरे हृदय से निकल जाओ, हाथ छुड़ा करके चले जाओ,
लेकिन मेरे हृदय से यदि आप निकल जाओ तब मैं आपको जानूं कि आप बहुत बड़े बलशाली हो। भगवान हाथ छुड़ाकर के विल्ल मंगल का क्यों गए थे? क्योंकि भगवान ने विल्ल मंगल का हाथ नहीं पकड़ा था। भगवान कहते हैं कि मुझे पकड़ना नहीं आता, और जिसको एक बार में पकड़ लेता हूं, पकड़ने का मतलब मैं अपने चरणों का आश्रय जिस भक्त को दे देता हूं, जिसको मैं स्वीकार कर लेता हूं, जिसको मैं अपना बना लेता हूं, भगवान कहते हैं फिर मैं उसे कभी छोड़ता नहीं। क्योंकि संसार के लोग तो पकड़ते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन मुझे पकड़ना नहीं आता, और जब पकड़ लेता हूं तो मैं कभी अपने से दूर अपने भक्त को नहीं करता, हमेशा उसको अपने चरणों में ही रखता। तो आज पोतना भगवान को बोली कि अरे बालक छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन भगवान ने पूतना के स्तन पान करके पूतना के प्राणों को हरण कर लिया। शरीर से आत्म ज्योति निकली और भगवान के श्रीअंग में विलीन हो गई। त्रिकव्युति छह कोश के अंदर जाकर के पूतना का शरीर गिरा। जब नंद आदि गोप मथुरा से आए तो मार्ग में पूतना का शरीर पड़ा था। अंतिम संस्कार पूतना का ब्रजवासियों ने किया, और पूतना का जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो पूतना के अंग से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुगंध निकल रही थी, जो सारे गोकुल में मीलों तक फैल रही थी। तो परीक्षित ने पूछा कि गुरुजी, जब इस शरीर को जलाया जाता है तो इसमें से दुर्गंध निकलती है अंतिम संस्कार के समय, जब श्मशान इस देह को ले जाया जाता है, जब शरीर जलता है तो इसमें से दुर्गंध निकलती है, और आप कहते हो कि पूतना के अंग से सुगंध निकल रही थी, ये पूतना कौन है? तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ये पूतना कोई और नहीं है, ये पूतना राजा बलि की लड़की है। जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर तीन पग पृथ्वी मांगने के लिए गए थे, एक पैर में प्रभु ने ऊपर के लोक नापे, कल आपने कथा सुनी थी, तो जब तीन पग पृथ्वी भगवान ने मांगी तो राजा बलि की बेटी हैं, शादीशुदा थी ये भी वहां खड़ी थी, लेकिन इनको संतान नहीं हुई थी, निसंतान थी। तो वामन देव जी का दर्शन करके इसके मन में ऐसा भाव आया कि वामन जैसा बेटा यदि मेरे होता तो मैं उसको अपनी गोद में बिठा करके दूध पिलाती। तो भगवान ने कहा कि देख रत्नमाला, इस अवतार में मैं तेरी कामना पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कृष्ण अवतार में अवश्य पूर्ण होगी। तो आज भगवान ने पूतना को धातृचताम ततोन्यम कंवा दयालुम शरणम ब्रजेम, भगवान ने पूतना को मां की गति प्रदान की। भगवान के बराबर भैया कौन कृपा में हो सकता है? ऐसे गोकुल के नाथ हैं मेरे गोपाल। सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्नता से प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। पूतना का जब मोक्ष हुआ, आओ हम भी प्रभु के श्री चरणों में भगवान को प्रणाम करें। तू गोकुल का रखवाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है, तू गोकुल का रखवाला है। कुल का रखवाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है, तू वो कुल का रखवाला, कोई क्या जाने नंद लाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है।
क्या जाने नंद लाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है, तेरे मोल मुकुट सिर सोहत है, मकराकृति कुंडल मोहत है, तेरे मोर मुकुट सिर सोहत है, मकराकृति कुंडल मोहत है, तेरे